For last 10 years, I have been making documentary films. But my villagers won't consider me a filmmaker because my documentary doesn't play in the nearest cinema hall. Ever since I was a little boy in my small village in India, my dream was to make Bollywood films. So 5 years ago, I decided I was finally going to do it. The story I chose, that was one which was closest to my heart, of my own village and its transformation. This used to be my room. This is where I used to study and I used to sleep. We had our own sort of economy. Everybody did everything for everyone. But then government raised, technology raised, development raised, money raised. This is exactly the kind of village I grew up in, which was completely cut up from the rest of the world. All the characters in my story are the real characters. All I have thought, everything I've done in the last 5 years, mostly was related to this film. So shoot is done now. I'm happy. At the same time, I'm nervous. The dream I had since childhood is almost done. Now I have to take it to audience. कतर के एशियन टाउन में जहां पर हिंदुस्तान से लेकर एशिया के हर मुल्क के दोस्त अहबाब और साथी लोग हैं जो यहां फिल्म देखने आते हैं. यहां पर सिनेमा घर है ये और ये हर तरह की मूवीज़ यहां लगती है. लेकिन आज ये ख़ास मुलाकात एक इसलिए ख़ास है क्योंकि मैं इस वक्त खड़ा हूं एक बहुत ही बेहतरीन हम सब के दिल को छूने वाली वो जगह जहाँ से कहीं ना कहीं हम लोगों का रिश्ता कभी रहा है, वो कहलाती है गाँव. और एक मूवी आ रही है जल्द जिसका नाम है गाँव. और गांव की उस खूबसूरती को बताने के लिए दिखाने के लिए हमारे साथ हैं उसके निर्देशक श्री गौतम सिंह जी. तो गौतम सिंह जी साथ में इस वक्त हैं. मैं ये पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि ये आखिर गांव मूवी जो आई आ रही है आपकी, क्या मकसद था इस मूवी को बनाने का और ये कैसे आप अपने आप को प्रोत्साहित कर सके इस चीज़ को करने के लिए, मूवी बनाने के लिए? मैं बचपन से ही सिर्फ एक ही ख्वाब रहा है, कहानी कहना, वो फिल्मों के थ्रू, और वही करता रहा हूँ पिछले 20 सालों से. पूरी दुनिया में घूम घूम कर मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता रहा हूँ. गांव की कहानी जैसा कि सब्जेक्ट बताता है गांव की है और वो मेरे गांव की है. 30 साल पहले मेरा गांव कुछ और हुआ करता था, आज कुछ और. 30 साल पहले वहाँ हारमोनीज ज़्यादा थे, लोग मिलते जुलते ज़्यादा थे, एक दूसरे एक कम्युनिटी थी, एक मिट्टी की खुशबू थी. हाँ, आज जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी बन चुकी है. ये सारे लोग अपने अपने काम से लेना देना रखते हैं. ऑलमोस्ट सारे लोगों की एक दूसरे से लड़ाई है, बातें नहीं होती, त्यौहार नहीं मनते जिस तरह मनते थे. और इसी 30 साल की घटना, पिछले 30 साल की घटनाओं को लेकर के मैंने गाँव फिल्म बनाने की सोची. तो बेसिकली ये गांव में जो आप एक समाज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खूबसूरती को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी गांव में हुआ करती थी, है ना? ये बेसिकली दो रीजन है इस फिल्म को बनाने के. पहले तो मैं जो डिसअपीयरिंग विलेजेस हैं, ओके, जो लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी कहानी है. दूसरा अवस्था में जो है, हाँ, हर शहर ये चाहता है कि हर गांव शहर बन जाए. कभी कोई एक कोशिश नहीं करता कि कोई शहर गांव बने. इन द नेम ऑफ स्मार्ट सिटीज़, इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, स्लोली एंड स्लोली वी आर डिस्ट्रॉइंग आर विलेजेस. एंड उनकी कहानी कोई नहीं कहता, वो जस्ट लुप्त होते जा रहे हैं. तो मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में हंसा हंसा करके ये कहानी कहने की कोशिश की है. पहला रीजन ये है. दूसरा, और मैं अपनी गांव की कहानी कहना चाहता था, ये पहला रीजन है. ओके. चूँकि मैं पिछले 30 साल की घटना को कैद नहीं कर सका और डॉक्यूमेंट्री उस पर नहीं बन सकती, तो हमने एक फिक्शन स्टोरी लिखा. स्टोरी में चीज़ों को बताने सारे कैरेक्टर जो हैं वो मेरे गांव के हैं. अच्छा। और वो बड़े ही लाइवली कैरेक्टर हैं. एक साइंटिस्ट है जो पहाड़ के ऊपर रहता है. अच्छा। वैद है जो
गांव के स्पिरिचुअल गुरु हैं, लीडर हैं और सारे इलाज खुद से करते हैं। अच्छा। एक मंगला है जो माचो मैन है और इन सबों के बीच एक लीडरशिप कंपटीशन होती है। अब वो कंपटीशन भी एड़ा वेड़ा नहीं है, वो कंपटीशन उन्होंने रखा है सोमरस कंपटीशन। सोमरस कंपटीशन। तो ये अच्छा, बहुत ही मजेदार। हाँ, जैसा कि अभी आपने एक बात बताई इसमें कि कोई गांव को शहर या शहर को गांव बनाने की कोशिश नहीं करता है, मैं यहाँ पर इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में जो शहर में दिखाई देता है वो चीज़ देखते हैं, लेकिन शहर को गांव बनाने का मकसद इनका कहने का ये है जहां तक मैं समझ पाया हूं कि वो खूबसूरती, वो समरसता, वो मोहब्बत, वो जो भाईचारगी, वो जो गांव की खूबसूरती, जब लोग शाम में बैठ के चारपाई पे बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहते हैं, उसको एक शहर को गांव बनाने का मतलब ये हो गया कि उस तरीके के माहौल को लाया जाए और जो फैसिलिटीज़ हमें शहर में दिखाई देती हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, वो सारी चीज़ों को हम लोग गांव की तरफ लाने की कोशिश करें, शायद आप ये कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम जब भी गांव को देखते हैं वो शहर के नज़रिए से देखते हैं। हम प्रोग्रेस का मतलब ही कुछ और समझते हैं। प्रोग्रेस का मतलब हम समझते हैं कि स्कूल हो, पुलिस स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो। हम प्रोग्रेस का ये क्यों नहीं मतलब हो सकता, शांति हो, भाईचारा हो, खुशी हो, सारे लोग खुश रहें और कोई चिंता ना हो। ये जो मौत की कुआं की दौड़ जो चल रही है, हर आदमी बस भागता चला जा रहा है एक रिंग के अंदर, में अगर रुका तब भी खेल खत्म, और अगर बाहर आया गिरा तब भी खेल खत्म। ये हम क्यों कर रहे हैं? आदमी के रूप में पैदा होने का मकसद क्या है? ये पैसे कमाना या लोन चुकाना, ये क्या है? तो ये जो गांव है वो कहानी कहती है कि कैसे वो एक सीधा साधा गांव है, सारे लोग खुश हैं। फॉर द फर्स्ट हाफ यू सी लाइक ए वाइब्रेंट विलेज वेयर एवरीबडी इज हैप्पी, ऑल द फेस्टिवल्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड। इन सेकेंड हाफ यू सी व्हेन सिटी रीचेज टू द विलेज, व्हेन अ बैंक रीचेज, व्हेन मनी रीचेज, व्हेन एंड हाउ मनी करप्ट्स पीपल स्लोली एंड स्लोली, हाउ पीपल स्टार्ट्स गेटिंग एडिक्टेड टू मनी, दे डोंट कम आउट ऑफ देयर हाउसेज, हाउ अ ब्यूटिफुल कम्युनिटी बिकम्स इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, और कैसे बैंक पूरी दुनिया में ये रोल प्ले कर रहा है लोगों को डिवाइड करने का। ये सारी चीज़ें जो आपने कैद करने की कोशिश की अपने कैमरे के जरिए, मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और लोगों को जागरूक भी करेगा। गौतम भाई, मैं अगर कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहूँगा तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें मूवी में? ये कैरेक्टर्स में यू मीन द स्टार्स? हाँ, स्टार्स हैं बिल्कुल। तो जो मेन रोल किया है वो शादाब कमल ने किया है, जिसके पहले उन्होंने बीए पास का लीड में लीड थे, मराठिया गैंगस्टर में लीड थे। अच्छा। और अब इसमें लीड है। जो मेन लीड एक्ट्रेस हैं वो है नेहा महाजन है। वो बहुत सारी फिल्में की हैं और मराठी में काफ़ी जानी जाती हैं। अच्छा। और हिंदी की फिल्में काफ़ी की हैं उन्होंने। दिव्यन्दु भट्टाचार्य हैं जो 50 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं। अच्छा। गोल फिल्म किया, बीए पास में भी वो थे। पिपली लाइफ के फेमस नथा जी, मैंने देखा बिल्कुल, दास मानिकपुरी है। राजी फिल्म अभी भी आई थी, जो लोग अभी देख रहे हैं ये नथा को सब लोग पहचानते होंगे, जो पिपली लाइफ मूवी में आया, काफ़ी बेहतरीन करेक्टर में उन्होंने निभाया था। अच्छा, ये तो हो गई। ये जस्ट मैं फिनिश कर लूँ, वो राजी के जो है वो शिशिर शर्मा है। ओके। गोपाल के सिंह हैं जो मधुर भंडारकर की सारी फिल्मों में आते हैं। तो एक काफी रमे हुए, मतलब हाँ, काफी एक काफी जाने माने चेहरे और मेथड आर्टिस्ट जो है, बहुत अच्छे एक्टर जो परफॉर्म जो किया है इन्होंने, वो देखने लायक है। मैं 500 से ज्यादा बार इस फिल्म को देख चुका हूँ, लेकिन और कई लोग जो टेस्ट प्रीव्यू हमने किया, लोग बार बार देखना चाहते हैं। जब ऑडियंस टेस्ट प्रीव्यू के बाहर आती है, उसके दो दिन बाद वो फ़ोन करती है कि आई कांट गेट आउट ऑफ दिस मूवी, ये मैं बस उस मूवी के बारे में सोचता रहता हूँ। तो ये लाजवाब फिल्म है, फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म है, और मैं चाहूँगा सारे लोग देखें। ऑडियंस को गौतम भाई क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस मूवी के बारे में, मैं जहाँ तक ट्रेलर देखा हूँ, ये जो चीज़ देख रहा हूँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा जितने भी दोस्त हैं कि मूवी ज़रूर देखिए, ये आपको ज़मीन से जोड़ती है और एक एक इस खूबसूरती को जो हमारी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी थी उसको बताने की कोशिश करती है। मैं चाहूँगा गौतम भाई भी कुछ कहें आप लोगों से। जी, मूवी जो है बहुत जल्द आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघर में। मैं मोस्ट प्रॉब्ली
बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हम डेट अनाउंस करेंगे और बहुत जल्द आपके पास ट्रेलर होंगे, पोस्टर होंगे, और तब तक प्लीज़ विजिट gaonfilm.com, वहाँ पे इसकी कहानी आप थोड़ी बहुत देख सकते हैं। बहुत सारे दुनिया की बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है, अल जजीरा ने इस पर डॉक्यूमेंट्री किया है, BBC ने स्पेशल प्रोग्राम किया है इस पर, और इंडिया से भी बहुत लोगों ने ANI और जो एजेंसीज हैं इंडियन एजेंसी इसको कवर किया जब हम शूट कर रहे थे। बहुत सारे अवार्ड जीते इसने अभी तक, जहाँ भी गई है, जिस भी फिल्म फेस्टिवल में गई है, हाँ, जहाँ भी जिस भी फिल्म फेस्टिवल में अभी तक मैंने भेजा है उसमें बेस्ट फीचर फिल्म की अवार्ड मिली है, या तो क्रिटिक से या फिर जजेस से, जूरी से। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत मैं चाहूँगा कि ये फिल्म मल्टी सक्सेस हो और हर जगह सक्सेस हो, और जितने भी लोग इस मूवी को देखें इसको ज़रूर अपने दोस्तों तक, और इस पेज को जो गांव मूवी का है इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साइलेंस प्लीज, आप लोग का स्टेप्स क्यों अलग जा रहा है? और ये 1 2 घूमो, इस तरफ घूमो, हाँ, हाथ को सामने लो और आईने की तरफ, मतलब सोचो कि ये मैं सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ। पूरा कंपोजिशन करो, 1 2 3 4। मैं टॉलीवुड इंडस्ट्री से आई हुई हूँ, कलकत्ता से। बहुत पुराने जमाने में जो होली का सिचुएशंस होता था उसी सिचुएशंस के ऊपर हम लोग इस सॉन्ग को दर्शाने जा रहे हैं। भाई कलर की थाली लाओ और अपने अपने फेस में दो दो अंगली से ऐसे ऐसे। मेरे डांसर्स लोग, मेरे बच्चे लोग, रेडी, जोर से बोलो। नहीं समझो, समझ गए नहीं, शॉट पे गलत कर रहे हो आप एवरी टाइम। सामने आ जाओ, फिर आपको यहाँ से पीछे घूमना है और हाथ ऊपर उठाना है। 5 6 नाउ स्टार्ट। I was kind of hoping all I have to do is just dance. Not only do I have to dance, I have to learn the lyrics and lip sync. Nothing actually happens the way I plan it out. So I know I'll be surprised. कर लूँ, भेज दूँगा। इतना भरोसा रखो, माँ के ऊपर खराब नहीं है। Don't worry. इधर हवा है प्रेम की, उधर है वो मजबूर। जो भी है उसको पता, फाल्गुन की दस्तूर। तुम ना करो